इस वतन को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी गई। अगर अपने आज़ादी का मतलब पूछना है तो इंडिया के मुसलमानों से पूछे जहाँ पे हर रोज उनको कत्ल किया जाता है। अगर अपने आज़ादी का मतलब पूछना है तो कश्मीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों से पूछे कि जिनको भेड़ बकरियों की तरह रोजाना उन पर कर्फ्यू लगाया जाता है। अगर अपने आज़ादी पूछनी है तो फलस्तीन के मुसलमानों से पूछे जिन पर आए दिन जमीन तंग कर दी जाती है। अगर अपने आज़ादी पूछनी है तो चाइना के अंदर बर्मा के लोगों से पूछे जिनको रोजाना बकरों और गांव की तरह उनको काटा काट दिया जाता है। तो अजीज तलबा, ये हमारी फौज पाकिस्तान ही थी जिसके जोर पर आप देख लें लीबिया का हाल, देख लें इराक का हाल, देख लें ईरान का हाल, देख लें उनकी फौज को, फौज जब तबाह हुई है, फौज का इस्तेमाल खत्म हुआ है, फौज नहीं थी तो आज वो मुल्क भी तकरीबन तबाह होने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज हमारा फौज पाकिस्तान और ये पाकिस्तान फौज पाकिस्तान की वजह से कायम दायम है। आप क्योंकि इसका हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर एक फौजी है, इसीलिए मैं तकरीर की निदाब देता हूँ। हम जिंदा कौम है, पैंदा कौम है, हम सब है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। उमर फरूख से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ और तकरीर के लिए हमारे फौज पाकिस्तान को निगरानी पेश करें। उमर फरूख जोरदार तालियां।